ये वो सामने रश लगा हुआ है, वो टेडी को पकड़ा हुआ है, ये आके चलान करता है, ये सामने इसको रश घेरा हुआ सबने। हालांकि इसको हमने इधी उधी दे के भेजा है, इसको हमने इतनी खींची दी है पूरे दुकानदारों ने मिलके इसको इधी दी है कि ये पूरा हमला बैठ के सुकून से अच्छी दीवाना एंजॉय कर सकते। ये जा रहा यानी कि आप समझ रहे हो कि वो पैसे दिए हैं सब दुकानदारों ने, कितने फी दुकानदार कितने पैसे दिए? दुकानदार ने 300 रुपया दिए है और आप अंदाजा लगा रहे हैं कि बाजार में कितने दुकान। अच्छा अच्छा, तो ये जो है ना, मतलब ये जो 300 दिए हैं ये गवर्नमेंट खाते में नहीं, ये इनकी अपनी दिहाड़ी होती है। अपनी दिहाड़ी देखें जी, ये अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और ये फिर पैसे लेके भी लोगों को तंग करते हैं। देखिये सारे दुकानदार बाहर है, इधर काम क्या करें, हालात आपके सामने है, घर में कितना खर्चा जो है ना वो चलाना मुश्किल हो गया, और ये फिर जो है ना तंग करते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो गाइस उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज बाजार में आए जी कॉरपोरेशन वाले और सारे जो है ना उन्होंने सफाई कर दी, अड्डे वगैरह हट गए हैं। यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से जो है ना वो सारे अड्डे वगैरह उन्होंने हटवा दिए हैं। उन्होंने कहा जी के बिल्कुल ये दुकानों के अंदर करें, तो बाजार के हालात है ये देखो। केले के बारे में बताओ, कमेटी है वाले चोर है। चोर है? वो अड्डे तुम बाहर लगाते हो वो सही है। जी इसनैन साहब, क्या हाल है आप? पूरा मेन बाजार मुस्तफाबाद लाहौर, जो कि आज कॉरपोरेशन की वजह से फट्टे उठाए गए हैं और बहुत खुला खुला और अच्छा अच्छा महसूस भी हो रहा है, लेकिन दुख भी हो रहा है कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और लोग खुशहाली से आ रहे हैं जा रहे हैं अपने घर को और लोग खरीदारी बहुत कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदार पे भी असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। बर्फ में लेके जा रही? बर्फ यार गर्मी की वजह से बहुत परेशान हुए थे। ये हमारा वैस भाई है, इसने वो क्या कहते हैं किस्मत फलक वालों से 300 रुपए की बर्फ ला के दी है हमें, क्योंकि बिस्मिल्लाह तो बिकी नहीं है, दुकानों की वजह से फटे लगे नहीं हुए। तो ये दुकान इतनी अंदर है, फटे आप बाहर क्यों लगा लेते हैं, जगह रोक देते हैं? अंदर है फटे बाहर है, ये तो मालिकों को सोचना चाहिए कि इसमें जो उनसा है कुछ जगह कोई थोड़ी सी मखसूस दी जाए, जिसकी वजह से हालात भी बेहतर रहे, सब कुछ ओके हो जाए, कॉर्पोरेशन भी तंग ना करें। चले बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ जी विक्की भाई, नो कमेंट। विक्की भाई कोई बेटी आई है? कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं था। विक्की भाई फुर सुकून में कटिंग करा ली है। क्या हाल है? ठीक है। ये क्या हुआ बाजार में? बाजार तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा है, खुला खुला लग रहा है बाजार। कॉर्पोरेशन की वजह से बाजार सारा खाली हो गया, काम वगैरह वैसे भी नहीं है। अच्छा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी व्यक्ति आवाम के साथ। नहीं, ये अड्डे जो लगते हैं ये आपके ख्याल में सही है या गलत है? जो दुकान की हदूद तो हमारी अंदर है, कारोबारी हालात को देखा जाए तो जो इस टाइम जैसा भी कर रहा है ठीक है, अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो ठीक है। जो हुकूमत ने आपसे बोला कि 4 फीट तक लगाए, दुकानदार वैसे बाहर नहीं आते, 4 की जगह 8 फीट चले जाते हैं, जाहिर सी बात है हुकूमत उन्होंने अपने को इकदाम करनी है। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने मान में रखते हैं, तो हम तो कहते हैं जल्दी से जल्दी बेहतर। अच्छा, ऐसे है की हुकूमत को जगह देनी चाहिए, अगर फटे अगर नहीं लगवाते, नहीं 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 अगर वो कहते हैं भी फटे ना लगाओ, तो इनको मुतबादल कोई जगह देनी चाहिए ताकि रोजी रोटी किसी की बंद ना ना हो। चले बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, की हो गया? फटे फुटे हटाते नहीं, सही होया गलत होया? सही हुआ गलत हुआ? नहीं होना चाहिए। हाँ जी बकर भाई, बकर भाई आपको कहा था हमने थोड़े टाइम रह गया, आप फिर नहीं माने, फिर आप घर से आ गए इतनी धूप में, फायदा हुआ कोई आने का? हुआ, आपको कहा था नहीं लगेंगे अड्डे, आप माने ही नहीं। अभी लगेगा, अभी लग जाएंगे सारा। ये देखो अभी सुना लड़ाई हुई है किसी की कॉर्पोरेशन के साथ,
कॉर्पोरेशन के साथ सुनी, अभी अभी आया हूँ, मुझे बताया नहीं था आपने कब गहरा छुड़ाओ काफी एंटर हुआ। ये हालत देख के आपने भाग भी लिया, आपको तो वो अंदर आपका रखा हुआ सामने नहीं अड्डा अड्डा जी। अंकल बोरी से मिले हैं, ये हमारे अंकल बोरी हैं, बोरी अंकल। ये चिड़ी है, ये अंकल बोरी हैं। ये बोरी अंकल, ये सही हुआ है जो फटे फुटे नहीं लग रहे? क्या क्या कहती हैं आप? बाजार बंद होना चाहिए, फटे नहीं लग रहे। ये सही हुआ है गलत हुआ है आपके ख्याल है? बेहतरीन नहीं लगने चाहिए। मैं बड़ा खुश हूँ। नहीं कैसर भाई आप बताए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस अड्डों के टोटल खिलाफ, अड्डे होने ही चाहिए, नहीं होने चाहिए। अच्छा तो फटे को फटे में डाल दो, ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं, जो अड्डे नहीं लगते तो गवर्नमेंट को मुतबादल जगह देनी चाहिए ना, ताकि कुछ लोगों की रोजी रोटी अड्डों से ही है। जी अदील भाई क्या कहना चाहेंगे आप, ये अड्डे वगैरह नहीं लग रहे? सही है सही है, उनकी रोजी रोटी अड्डों से ही है। अच्छा तो देखा जाए तो लीगली तौर पे जो कानून चलता है उसके मुताबिक अड्डे अलाउ नहीं होते, क्योंकि इससे जगह घिरती है, कम होती है। तो आप भी समझते हैं कि गवर्नमेंट को भी मुतबादल जगह देनी चाहिए? देनी चाहिए, लेकिन अब कैसे हमारा चल रहा है सारा मुल्क, अब अड्डे हर बाजार में आप जाते हैं वहाँ पे अड्डे लगे हैं और वो रेंट पे बैठे हैं, जो आगे लगा के बैठे हैं, तो उनका रोजगार ही है, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा जी, आपने अच्छा मशवरा दिया है। देखें जी बाजार के हालात ये हैं, कुछ अड्डे लग गए हैं, कुछ लग रहे हैं अभी, और कुछ अभी तक नहीं लगे। तो गाइस मैंने लोगों से इंटरव्यू दिया, उनके जो है ना वो व्यूज जाने के, उधर लोगों क्या व्यूज हैं, क्या लोग चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए। तो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।